हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सूजी यानी रवा से बनने वाली सॉफ्ट एंड फ्लफी इडली की रेसिपी, जो झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रवा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना ये 2 कप सूजी ली है, जो मीडियम वाली सूजी होती है ना, रेगुलर वाली जो अपनी राजधानी की आती है, वो मैंने सूजी ली है। तो मैंने जो अपने मेजरिंग कप आते हैं इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 कप सूजी ली है। एंड 2 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। दही बिल्कुल प्लेन भी नहीं है और बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं है, मीडियम है। तो ये मैंने जो मदर डेयरी का पैकेट आता है वो वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर का है तो आप घर का इस्तेमाल कर लीजिए, बट बहुत ज्यादा खट्टा दही मत इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज जो इडली का टेस्ट है वो इतना बढ़िया नहीं आएगा। तो इसमें मैं दही को ऐड कर दे रही हूँ सूजी में। तो 2 कप रवा के लिए 1 कप दही लिया है। अगर आप क्वांटिटी कम बना रहे हैं, अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आप उसके लिए 1/2 कप दही कर दीजिए। अब इसको हम मिला लेते हैं हल्के हाथों से। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी को भी इसमें ऐड करूंगी। तो एकदम मैंने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास से थोड़ा कम ही लिया है। तो धीरे धीरे करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। एंड इसको हल्के हाथों से मिलाना स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए अभी एक थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करती हूँ। इसको भी मैं मिला लेती हूँ। अभी हम इस सूजी को रेस्ट करने के रखेंगे। तो जो सूजी होती है ना वो पानी को सोक करती है और फूल जाती है, तो ये अभी थोड़ा सा और ठीक होगा। तो जो फाइनल कंसिस्टेंसी है इसकी है बैटर की, हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए मैंने इसको मिक्स भी कर दिया है हल्के से। तो इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट चला गया है, नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट है, मैंने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ। बस इसको अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे हमारी सूजी में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। एंड अभी देखिए अभी तो काफी थिक है, थोड़ा सा और भी और थिक हो जाएगा इसको रेस्ट करने के बाद। एंड इसके बाद जब हम इसमें जब फाइनल चिप्स को बनाएंगे तब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको कवर करके रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। तो 20 मिनट्स के राउंड में इसको रेस्ट करने को रख रही हूँ। एंड 20 मिनट्स के बाद हम इसको अपनी जो इडली बनाना शुरू करेंगे। जब तक ना हमारा इडली का बैटर रेस्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, गैस को ऑन कर देती हूँ। और मैंने ये इडली के स्टैंड में अपना जो पानी है वो रख दिया है जहां तक लेवल है। तो इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे रख देती हूँ बॉयल आने के लिए। जब तक हमारा पानी बॉयल होगा तब तक हमारी इडली भी रेस्ट हो जाएगी, बिकॉज उसको 10 मिनट हो गए थे मुझे ऑलरेडी रखे हुए 10-15 मिनट। एंड साथ ही साथ देखिए ये मेरा जो है इडली के जो मोल्ड है इनको भी मैं हल्का हल्का ना ब्रश से ऑयल लगा के रख दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कभी आपकी इडली अच्छे से नहीं निकल पाती है तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप ऑयल के बदले आप बटर का इस्तेमाल करिए। तो बटर लगाने से जो आपकी इडली है ना वो बहुत ही इजिली निकल जाती है, बिल्कुल भी नहीं स्टिक होती है। तो ये है आज की टिप मेरी इसके लिए। अगर कभी भी आपको लगे कि आपसे ऑयल से आपकी नहीं निकल पाती इडली तो आप बटर का इस्तेमाल करिए, बटर से अपने बोर्ड को ग्रीस कर लीजिए। सो देखिए हमारी इडली बैटर को रेस्ट करते करते 20 मिनट्स हो गए है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो देखिए ये काफी देखिए थिक हो गया है, पहले से देखिए बैटर काफी थिक हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मिला लेती हूँ एंड थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे पानी डाल के इसमें। और हमारा जो इडली का जो स्टैंड है उसका पानी भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है। हमें जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक और बहुत ज्यादा पतली नहीं रखनी है। तो थोड़ा सा पानी इसमें और चला जाएगा। देखिए तो अच्छे से मिला लेते हैं। अभी मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ठीक है देखिए अभी थोड़ा सा मुझे थिक लग रही है, वैसे थोड़ा सा थिक ही रहेगी बट स्टिल
ये काफी थिक है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। मतलब मैंने ये पूरा भर के पानी का ग्लास लिया था, करीबन ये 200 ml का ग्लास है। तो ये देखिए अब जो कंसिस्टेंसी आई है बैटर की वो बिल्कुल सही आ गई है हमारी, ना ही बहुत ज्यादा पतला ना ही बहुत ज्यादा थिक। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी बिल्कुल। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए इनोक लिया हुआ है, तो ये मैंने जो ब्लू वाला इनो आता है ना वो लिया होगा। अगर आपके पास ब्लू नहीं है तो आप ग्रीन वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रेफर करिए कि ब्लू वाला इनो हो अनफ्लेवर्ड वाला। तो इसको मैंने 2 टीस्पून लिया है, 2 कप रवा के लिए मैंने 2 टीस्पून इनो लिया। तो इनो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एंड इसके ऊपर थोड़ा सा ना मैं पानी ऐड डालती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाल दिया एंड अभी हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अभी जो बेटर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये इनो डालने के बजाय, एक ही डायरेक्शन में हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इनो डाल के। देखिए बेटर अपने आप ही थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, इसे ओवर मिक्स भी नहीं करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है इडली बनाने के लिए एंड हमारा जो पानी था वो भी गर्म हो चुका है। इडली के मोल्ड हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रख दिए थे ऑयल से, तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें बैटर ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा हम इडली के स्टैंड को नहीं भरेंगे, 3/4 के अराउंड में इसको भर देती हूँ। देखिए आप चाहे तो सेम बैटर से ही ना अप्पे भी बना सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स चॉप करके डाल दीजिए या वेजिटेबल्स का तड़का लगा दीजिए एंड सेम उसी में आप अप्पे बना सकते हैं अप्पे स्टैंड में। सो देखिए मैंने सारे जो मोल्ड्स है कर दिए भर दिए, फटाफट से अब हम इनको बिना टाइम वेस्ट करे इडली स्टैंड में डाल देंगे स्टीम करने के लिए। इसको उसके बाद हमें वेट नहीं कराना होता है, तो मैं इसको उसके स्टैंड में लगा देती हूँ एंड इसको हम सीधे इडली स्टैंड में डालेंगे। एंड नाउ मैं इसको देखिए मेरा पानी अच्छे से बॉइल हो गया है, तो इसको मैं इडली स्टैंड में डाल दे रही हूँ एंड मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए बहुत हाई भी नहीं और बहुत लो भी नहीं, तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम करूंगी। 15 मिनट के बाद मैं एक बार इसको चेक कर लूंगी। आप 15 मिनट के बाद इसमें टूथपिक या नाइफ डाल के चेक कर लीजिए, अगर आपकी जो नाइफ है या टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकल रही है इसका मतलब हमारी इडली बन के तैयार है। अगर उसमें थोड़ा सा भी स्टिकी लग रहा है तो इडली आपकी नहीं स्टीम हुई है, उसको आप थोड़ी सी देर और स्टीम कर लीजिए। चलिए 15 मिनट के बाद मैं आपको अपनी इडली दिखाती हूँ। सो देखिए मुझे इडली को स्टीम करते हुए ना 15 मिनट से ऊपर हो गया है, तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली स्टीम हुई है नहीं हुई है। तो ये देखिए मैं नाइफ देके इसको चेक कर लेती हूँ एंड देखिए नाइफ जो है हमारा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारी इडली हो गई है, डन हो गई है। तो मैं इसकी गैस को ऑफ कर देती हूँ, 2 मिनट में इसको ऐसे ही ढक के रख देती हूँ एंड देन इसको मैं निकाल लूंगी और थोड़ी सी देर इसको मतलब कूल डाउन होने दूंगी। एकदम से हम गरम गरम इडली निकालेंगे तो वो स्टिक हो जाएगी, सही से रिमूव नहीं होगी। तो मैं इसको 2 मिनट में निकाल के ठंडा कर लूंगी हल्का सा, ताकि वो हल्का सा कूल डाउन हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद हम इनको डीमोल्ड करते हैं। सो देखिए मैंने जो अपनी इडली थी ना इनको निकाल दिया था मोल्ड से एंड हल्की हल्की अभी ठंडी भी हो गई है, स्लाइटली ठंडी हो गई है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे वरना खाने में मजा नहीं आएगा। तो अभी मैं नाइफ की मदद से इनको डीमोल्ड कर लेती हूँ, हल्के हल्के से हम इनको डीमोल्ड कर लेंगे। आप नाइफ से या स्पून से किसी से भी इसको डीमोल्ड कर लीजिए। देखिए इजीली इडली रिमूव हो रही है एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ इडली का टेक्सचर। अभी देखिए बिल्कुल बढ़िया से जालीदार हमारी इडली बनी है। देखिए मैं इसको एक बार आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सॉफ्ट रवा इडली बनके तैयार है। तो बस मैं सारे को डीमोल्ड करके इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ एंड इसके साथ इसको आप चाहे चटनी के साथ सर्व करिए, चाहे इसको आप सांभर के साथ सर्व करिए। फिलहाल मैं इसको आज टमाटो एंड ओनियन की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। सो देखिए मैंने अपनी इडली को ना प्लेटर में निकाल दिया है, ये मैंने टमाटर और ओनियन की चटनी बनाई थी, इसके लिए तड़का देखिए बहुत ही अच्छी लगती है। आप इडली के संग बनाइए या डोसे के संग खाइए, अप्पे के संग खाइए, ये चटनी हर किसी के संग बहुत अच्छी, थोड़ा सा स्पाइसी और टैंगी बनती है। तो इडली जो होती है बिल्कुल प्लेन रहती है, तो इसके संग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है इसका।
तो जरूर से उसको ट्राई करिएगा, फटाफट से बन जाती है। और 2 कप रवे में ना आप 24 इडलीज बना सकते हैं इजीली, एंड बहुत झटपट से इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छी ब्रेकफास्ट या स्नैक रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। तो जरूर से आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो गाइज आज की रेसिपी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ।